अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रखे मैं एक और ब्रांड वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और अगर किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो अल्लाह पाक आपकी परेशानी दूर फरमाए। गाइस, जैसे कि आपने अभी देखा कि वो ऑप्शन आया था ना पबजी में कि आप 18+, वो मैं गलती से ना नो कर दिया था। तो मैं इस आईडी पर ना ज़्यादा खेल नहीं पाता, नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं और लॉग आउट हो जाता है, जो मेरी मेन आईडी है। तो इसलिए ना मैंने एक आईडी दी हुई थी अपने छोटे भाई को, जो वो यूज़ करता है। लाइक कभी कभी उसका दिल करता है ना, देखता है कि हाँ मेरा भाई खेलता है, तो छोटा है अभी काफ़ी, तो वो मुझे बोलता है कि भाई मुझे भी खेलना है, तो मैं उसको लाइक लगा के दे देता हूँ, उसकी एक अलग ही आइडिया। तो फिर मैंने क्या किया, मैं खेल रहा था डकी भाई के साथ स्ट्रीम पे। तो मैं क्या किया कि जो आईडी थी वो छोटे भाई वाली, वो मैंने ले ली थी। नेक्स्ट मैच में आप वही आईडी देखोगे, उसका नाम मैंने चेंज करके इतना फनी रखा ना, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। बाबा जी, हम खेल रहे थे स्क्वाड में और ये रूम का मैच है, मतलब सारे 100 के 100 प्लेयर्स रियल होने वाले हैं। स्ट्रीम चल रही होती है तो मतलब लोग ना लाइव स्ट्रीम देख के आपके पीछे आ रहे होते हैं और वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो आपको पता है। ऐसे ही सीन चल रहा था कि लोग लाइव स्ट्रीम देख के पीछे आ रहे थे मारने के लिए, तो हमें काफ़ी सेफ खेला मतलब। तो आज हम पहली बार जिंदगी में आई गेस जरकी जा रहे हैं, और मैं जरकी का मजाक उड़ाते रहता हूँ लेकिन मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आज हम खुद जरकी जा रहे हैं बाबा जी, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी बचानी है। लोग ना देखते कहाँ जंप कर रहे हैं, फिर वहीं पे गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, मार देते हैं, रूम में ये होता है, और ना कोई बॉट ना कुछ, सब रियल के रियल बंदे। तो काफ़ी मज़े का गेम प्ले हो गया था ये। सस्ती शायरी भी सुनानी चाहिए आपको, तो अर्ज़ किया है। दरिया में होता है थोड़ा पानी, समंदर में होता है ज़्यादा पानी, वाह 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 वाह। दरिया में होता है थोड़ा पानी, समंदर में होता है ज़्यादा पानी, हमारे मैच में फिर से आ गई थी आमना हैकर रानी, हैकर आमना रानी, ओ गलत कर दी शायरी विद अनॉनिमस लाहौर। तो बाबा जी, इस मैच में ना लूट हमने ना, वो होती है ना मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब लूट बहुत ज़्यादा कर देना रूम में, तो एडवांस रूम कार्ड था तो इसलिए लूट ज़्यादा कर दी थी, बहुत ज़्यादा लूट मिल रही थी। लेकिन इसमें एक इशू होता है, लैग बहुत करता है और दूसरा पिंग भी हाई हो जाता है एकदम से, तो वो भी सीन हमें फेस करना पड़ रहा था। तो बाबा जी हमारे से जरकी, और जरकी आके मतलब यहाँ पे हल्की फुल्की लूट कर रहे थे, और देखो एक ही घर से ना सारी लूट हो गई ऑलमोस्ट, कितनी अच्छी लूट मिल गई थी। अच्छे से हमने लूट की, तो उसके बाद हमें यहाँ से निकलना था क्योंकि गाड़ियाँ आ जाती ज़्यादा सारी हमारी बैंड बजाने के लिए, इसलिए बाबा जी हमें यहाँ से निकलना पड़ा। हम लोग यहाँ से निकले, थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं ड्राइव कर रहा था लेफ्ट, मैंने देखा गाइस यहाँ पे बंदे होंगे जब हम लोग जोन में जा रहे थे, और जब मैंने देखा कि यहाँ पे बंदे हैं तो मैंने गाड़ी रोक दी वेयर हाउस के पीछे। अब आप देखोगे कि बंदे यहाँ पे कैसे आते हैं, देखेंगे उन्होंने स्ट्रीम में देखा होगा कि भाई बंदे यहाँ पे रुके हुए, तो वो लोग यहीं पर आ रहे थे सबके सब गाड़ियाँ लेके, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे आने वाले थे। मैं पे टीपी प्लेयर से पहले देख रहा था कि बंदे कहाँ हैं, साउंड वगैरह ले लेते हैं। लेफ्ट पे शॉट्स पड़ रहे थे टीममेट को, और सामने जो है मैं टीपी प्लेयर था कि अगर यहाँ से कोई बंदा आता है तो मैं नॉक कर दूंगा, मेरे पास नेट भी नहीं था। इतनी देर में पीछे से बगी का साउंड आता है, हाँ वो बगी है कि भाई तो ये बग्गी वाले भैया को तो मैंने कर दिया डाउन, किंग नाम था इनका, वो स्टाइलिश करके किंग लिखा हुआ था। हमारा एक बंदा डाउन था गाइस, इसको इन भाई को सेव करना था, अंदर गया तो ये भाई साहब आ रहे थे फिनिश करने के लिए, हमारे पाकिस्तानी भाई, इनको भी उन्होंने डाउन किया, सारे के सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं इसमें गाइस। अब रिवाइव करना अपने टीममेट को, यहाँ पे अब गाड़ियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी बाबा जी। मैं रिवाइव कर रहा हूँ भाई को, भाई ने कैंसिल करवा दिया। अच्छा, आपके टीममेट भी ऐसे मूव करते हैं ना गाइस, रिवाइव हो रहा होगा मूव करके कैंसिल करवा देंगे। अगर आपके आपके साथ ऐसा होता है, आपके टीममेट करते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं ठोका तो प्लीज़ अनॉनिमस के पब्लिक लाइक बटन ठोक दो, मैं ट्राई करूँगा कि कल आपको इंशाल्लाह रैंडम वाला गेम प्ले दोबारा देखने को मिले। तो यहाँ पे बाबा जी हम इनकी लूट कर रहे थे मज़े से, क्योंकि लूट का नो मजाक, व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इस कॉल लूट का नो मजाक बाबा जी। हमें तो तीसरा लॉबी बनाना पड़ेगा, दूसरा था बंदों वाला, वो भी आपको आता है, तीसरा भी बनाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। अब हमारे एक टीममेट को डाउन कर दिया गया था और मैं रिवाइव नहीं दे रहा था क्योंकि मेरा दिल था कि मैं रश रोकूं। ये देखो बंदे ही आते जा रहे हैं, यहाँ पे पहले मैंने एक बंदे को डाउन किया गाइस, ये दूसरे बंदे को डाउन किया। स्कारल पे अटैचमेंट वगैरह नहीं थी तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ये तीन बंदे गाइस मैंने डाउन कर दिए। अब इनका आखिरी बंदा था और उसकी पोजीशन नहीं पता थी, लेकिन मैंने आगे रश करने का फैसला किया। वो बंदा होता पत्थर के पीछे, तो पहले मुझे लगा ये रियल है बट ये नॉक वाला था।
ये भाई मुझे ले गए, लेकिन शुक्र है पीछे से कवर मिली और मैं बच गया। लेकिन इन्होंने अच्छा मारा था, जो भी हो इनकी तारीफ करनी पड़ेगी, इन भाई ने मुझे बड़ा अच्छा डाउन किया था। गुड जॉब भाई, अच्छा पेला आपने, अच्छा पीटा, हमारी अच्छी पिटाई लगाई आपने। फिर बाबा जी हमें मिल जाता है इस मैच में यहाँ पे रिवाइव। रिवाइव करने के बाद होने के बाद हम लूट करेंगे, क्योंकि लूट का नो मजाक बाबा जी, और दूसरा था किल का नो मजाक। व्हेन यू सी द बंदा यू जस्ट रन 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 निकालेंगे और गन मारेंगे, बंदा इज कॉल्ड किल का नो मजाक। अब आप सबको लूट का मजाक याद है, लेकिन किल का मजाक थोड़ा सा आपका वीक हो गया, तो सबके सब गाइज किल का मजाक भी याद कर लो, फिर तीसरा लॉबी कोई लेके आएंगे। उसके बाद बाबा जी हम अपनी गधा गाड़ी में बैठे और हमें यहाँ से निकलना था। बूस्ट मार के निकले, थोड़ा सा आगे गए थे, यहाँ पे प्लेयर चली थी और भाई लोगों ने, हमारे लेजेंड भाई लोगों ने मंगवा रखी थी BRDM प्लेयर से, प्लेयर जाया कर दी। नहीं मतलब सर क्या, यहाँ पे पूरा स्क्वाड था, ये 3 से 4 लोग थे। इस भाई को डैमेज दिया, अंदर भाग गए और ये BRDM वाले भाई को नॉक किया। ऊपर वाले को भी डैमेज दिया था बट वो बच गए। और यहाँ पे इतनी जल्दी वाला स्क्वाड वाइप हो जाता है कि चलो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक किल हमारे नसीब में आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, नाड़क अच्छे के लिए हुआ, एक किल भी मिला तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, एक भी बहुत है। फिर बाबा जी यहाँ पे होता है पूरा स्क्वाड और यहाँ थोड़ी सी हो जाती है गड़बड़। मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी और अभी आमना रानी आपको देखने को मिलेगी। ये भाई नजर आए मुझे, M4 चलाने की आदत है ना गाइस, कारल थोड़ी सी अजीब लगती है चलाओ तो, कारल थी मेरे पास। और यहाँ मुझे पड़ते हैं शॉट गंदे वाले और मैं हो जाता हूँ नॉक, दो साइड से पड़ रहे होते हैं। अब ये हमारे नंबर वन भाई को पता ही नहीं चल रहा कि पड़ कहाँ से रही है और ये भी नॉक हो गए। और मेरी हेल्थ इतनी कम है कि मेरी यहाँ पे बैंड बजने वाली है और मेरे टीममेट्स को पता ही नहीं, वो देखो वाह किल के भूखे मेरे टीममेट्स, उनको पता ही नहीं कि बंदे की हेल्थ ही नहीं है, नॉक है और हमारी बैंड बज गई और यहाँ पे ब्लीड आउट हो जाता है। तो उसके बाद हम वो वाला मैच लगाते हैं। बाबा जी इतनी अच्छी स्टार्टिंग दी थी, इतने अच्छे किल थे मेरे, बट मेरे टीममेट्स किल के भूख में, उनको रोना आ रहा है गाइस, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, है ना। उनको पता ही नहीं था मेरी हेल्थ कम है और फिर मेरी बैंड बज गई। तो इस मैच में गाइस हम लोग उतरे थे, लिपोफका जा रहे थे गाड़ी लेके ताकि आराम से लूट करें और बंदे हम पे रश करें स्ट्रीम देख के, इससे पहले हम यहाँ पे निकल गए। और आमना रानी ने गाइस थोड़ा सा नाम चेंज कर लिया था ताकि उसको कोई पहचाने ना रूम में, कोई किक ना करे। पहले था ओपन वाला नेम, ठीक है, और उसके बाद उसने नाम जोड़ के लिख लिया। और ये लाइक तीसरा चौथा मैच था तो हमें पता था कि आमना रानी बार बार रूम में आके हैकिंग करके बंदे मार देगा। तो रूम वाले मैचेस में जो है ना वो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते उनको, मतलब 100 बंदों को छानना इतना मुश्किल होता है ना। बाबा जी हम अपनी मेहरान गड्डी लेके लूट लूट करके यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे थे बंदे। अब बंदे हैं तो मतलब किल्स हैं, पर किल्स हैं तो मतलब KD ज़्यादा, जो कि रूम वाले मैचेस में होती नहीं है, आपकी बेइज्जती सी हो गई, कोई बात नहीं। पर ये आप ID देख सकते हो, इसका नाम मैंने रखा हुआ था गाइस *XKalia, ये मेरे छोटे भाई का अकाउंट है। उसका KD बताऊँ कितना है, 0.31 KD है इस ID का, 0.31। कोई गनवन की स्किन नहीं है, उसको बेचारे को नहीं खेलना आता, वो ऐसे बॉट की तरह चलते हैं बेचारा, छोटा है ना। यहाँ पे गाइस मैंने इन भाई को डाउन किया, इनको किल को जाके कंफर्म करेंगे। तो *XKalia मैंने इसका नाम रख लिया क्योंकि अब उस ID में ना मेरा लॉग आउट ऑप्शन आ गया था और मुझे स्टिल साथ में खेलना था भाई लोगों के, तो मैंने इस ID से फिर आ गया था मैं ताकि मैं इन लोगों के साथ खेल सकूँ। पर मेरी ID तो भाई वो कह रहे थे जी 1 घंटे बाद लॉग इन करो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और पता नहीं वो दोबारा से ठीक होगा या नहीं। एक भाई कर रहे थे नीचे रश, तो मैंने अपनी UG रीलोड की बाबा जी, और फिर हमने कहा चलो जाएंगे, देखा जाएगा जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा का अच्छे के लिए होगा। आ गया मैं रश करने के लिए, भाई TP प्लेयर से जंप करके इनको डाउन किया, अब इनको करेंगे फिनिश। कैसे UG भाई ऊपर कैसे चल गए गाइस, ये इसके ऊपर कैसे आ गए लोग, इनको कवर पीछे से मिली बट मैं फिनिश कर चुका था। उसके बाद एनर्जी ड्रिंक वगैरह मारेंगे। फिर यार जोन आने वाला होता है, आप देख सकते हो 1500 मीटर दूर जाना था। तो मेरे टीममेट्स फिर भी किल के भूखे, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ बट ये लोग आ नहीं रहे। तो यहाँ पर हमारे डक्की भाई ने एक बंदा नॉक किया, उसके बाद हमें रश करना पड़ा। मैंने कहा चलो भाई रश करते हैं, खैर है जोन के बाहर ही चलेंगे, लेकिन अब आपको किल की भूख लगी है तो हमें भी किल की भूख लगती है, हम भी जोन में नहीं जाएंगे, रश करके किल निकालने का ट्राई करेंगे। बाबा जी देखा जाएगा जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। पिंडी बॉय जा रहा है रश करने, पिंडी बॉय ने जंप लगाई, पर यहाँ तो देखो गाइस मेरी गन पीछे लगी थी, बोल रहा कि मैंने भाई को यहाँ पर नॉक किया अचानक से। अब एक बंदा ऊपर है, यहाँ पे मैंने दूसरे भैया को भी किया डाउन और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें थोड़े से किल मिलते हुए 4 किल मिल गए थे मुझे यहाँ पे गाड़ी रोकने के बाद शुरू से, वरना लैंड होते तो हमारे 0 किल थे। और रूम होता है ना गाइस तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हालांकि हर बंदा आप पे रश कर रहा होता है, लेकिन जब 3-3, 4-4 टीमें आपको, उनको पता होता है ना, वो तो स्ट्रीम देख रहे होते, उनको पता होता है आप हो कहाँ पे, तो आपको मुश्किल हो जाता है ज़िंदा रहना।
तो उसके बाद बाबा जी मैंने ऐसे गाड़ी निकाली क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दूर जोन में जाना है, आप देख सकते हो 1600 मीटर्स दूर जोन है बाबा जी। तो हमने यहाँ पे बूस्ट मार के गाड़ी भगाई और आमना हैकर आमना रानी हमारा कर रही है इंतजार। ये गैस पहले से 5 TV की क्रेट्स पड़ी थी तो उनकी लोड कर रहा था मैं, तो वहाँ सामने हो रही थी फायरिंग, टैप टैप दिया बट कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, बट हम स्वैग है ना स्वैग, आपको पता। अच्छा गैस आप भी ऐसे करते होगे, लाइक आपको पता होता है लगना वगना नहीं है बट आप थोड़ा सा ना ऐसे शो शाक के लिए अपनी अपनी दिल की खुशी के लिए टैप टैप मार रहे होते हैं ना, मैं भी ऐसे मारता हूँ समटाइम, मुझे पता होता लगे लगेगा नहीं बट दिल खुश होता है गोली इतनी दूर मार तो रहे हैं, तो मैं ऐसे ही बस मार रहा था। फिर अपनी घाधा गाड़ी उठाई भगा रहे थे दो बंदे, पैदल रश कर रहे हैं दो बंदे, हम गए अपनी घाधा गाड़ी में, शैक पे स्मोक हुआ हुआ था और इसमें गाइस मोबाइल प्लेयर्स एम्यूलेटर प्लेयर्स मतलब कंप्यूटर वाले और आईपैड सब मिक्स खेल रहे थे, तो आपको नहीं पता कि आपके सामने कितना अच्छा प्लेयर आ रहा है। एक बंदा नॉक के मेरी उदी लड़ लगी, मैं फ़ौरन से लेता लेकिन मेरे टीम मेट पीछे से कवर देखे जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी भी इनका एक बंदा बचा हुआ था और ये मुझे लगा ऑल डेड हो गए, तो यहाँ पे भी हमारा किल चोरी हो जाएगा। ये मैं हेड शॉट मारा था, बॉडी शॉट लगा था उसको बट हमारा किल चोरी होता हुआ कितनी बुरी बात है गाइस, है ना किल चोरी होता है ना आपके दिल को खुश लगता है, फिर वो वाला गाना आता है दिल में तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए लॉल। मैं ज़्यादा ही फीलिंग में आ गया, मैं को मतलब सस्ता गाना वेदर एनिमस गाइस सुना दिया मैंने आपको। गाइस प्लीज़ शेयर वेयर किया करो, लाइक वाइक किया करो, दोस्तों से फैमिली मेम्बर्स से कज़न से सब्सक्राइब करवाया करो, हम लोग बहुत जल्दी 1 मिलियन करने वाले हैं, मेरी हेल्प करो कि हम लोग 1 मिलियन कर लें। और लाइक इंडियंस तो बहुत ज़्यादा चैनल्स हो गए पबजी के जो 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, पाकिस्तानी कोई भी चैनल अभी 1 मिलियन नहीं पहुंचा और इंशाल्लाह हम लोग का पहला चैनल होगा 1 मिलियन करने वाला पबजी मोबाइल का इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत मेहनत की है गाइस, पता है तकरीबन 350 से ज़्यादा पबजी की वीडियोज़, और मैं पहले इस पर 8 बॉल पुल गेम प्ले खेलता था उसकी भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, लाइक 250+ पबजी की वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं इस चैनल पर और 300+ मेरी 8 बॉल पुल की वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड की जो मैंने प्राइवेट कर दी जब से पबजी खेलना स्टार्ट किया, तो मैं तकरीबन 500 से 600 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ गाइस। कहना आसान है रोज़ की एक वीडियो लगाओ, मतलब 4 साल से जो हो ना कभी कोई ब्रेक नहीं ली, बस मेहनत कर रहा हूँ अपलोड कर रहा हूँ, तो 1 मिलियन ना मेरे ख्वाब्स है लाइक ड्रीम कम ट्रू वाला सीन हो जाएगा, बहुत दिल करता है जल्दी से 1 मिलियन हो जाए। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकते, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था बातों बातों में, यहाँ पर हमने रश करके बंदे मार दिए बट वो 1 मिलियन नंबर ही ऐसा गाइस, क्या क्या करूँ मैं। बाबा जी अब यहाँ पे हमारी फाइट होने वाली है अमना रानी से, अमना हैकर से, कार 100 निकल। अच्छा वो है कोई लड़का ही गाइस, मतलब लड़कियों के नाम रखा, पूरा स्क्वाड है इनका, लड़कियों के नाम रखे होते हैं पूरे स्क्वाड ने और होते सारे लड़के और हैक करके रूम में सबको मार रहे होते हैं, तो मैं दूर फाइट ले रहा था, यहाँ पे आ जाती है गाड़ी। अब गाड़ी आती है तो अमना हैकर को मैंने कैसे मारा इस बार, ये देखो डक्की भाई ने एक बंदा नॉक किया परवीन, ये भी मतलब हैकर ही हो सकती है, ये ज़्यादातर हैकर खेल रहे थे लड़कियों का स्क्वाड था इनका। आमने रानी दे रही होगी रिवाइव तो मुझे मौका मिल गया मारने का, मतलब किस्मत। आमने रानी को जब मारा गाइस मैं इतना खुश हुआ कि लास्ट टाइम तो मेरे हाथ से बच गई थी, मैं जंप करके मारने गया बट गन पीछे रह गई थी, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रख ली अल्लाह पाक ने हमारी घर, हमने हैकर की बजा दी बैंड। और आपने एक और वीडियो देखी होगी मेरी टिकटॉक पे, मैंने हैकर को मारा था, वो गाड़ी तेज भगा के लेके जा रहा था, तो ये 3-4 बार हो गया मैंने हैकर को मार दिया, और हैकर को मार के गाइस बहुत खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, वाकई में दिल से खुशी होती है कि पता नहीं आपने कौन सा मैदान पता कर लिया हैकर को मार के। तो दूर बंदे थे बट हमें जोन में जाना था। अब गाइस एक छोटी सी आप टिप याद रख लो कि जब भी जोन आपके करीब भी है ना गाड़ी जोन में ले जाओ, बहुत सी बार आप गाड़ी भूल जाते हो खुद जोन में चले जाते हो, गाड़ी अपने पास रखा करो, गाड़ी जो है ना वो बेस्ट होती है। देखो यहाँ पे हमने गाड़ी छोड़ दी थी, वो इसलिए कि हम यहाँ पे नॉक वॉक हो रहे थे टीममेट्स, तो उस चक्कर में हमने गाड़ी छोड़ दी और ये ओपन से रश करना पड़ रहा है, कोई भी देख लेता सबकी ग्रेड बनती, तो गाड़ी है ना उससे आप रश कर सकते हो, कवर बना सकते हो, जोन में जा सकते हो, गाड़ी आपकी बहुत हेल्प करती है, कभी भी गाड़ी ना छोड़ो। और जब आपको लगे ना कि हाँ यहाँ गाड़ी मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा कुछ भी हो जाए, तब जाके आप गाड़ी को छोड़ो। अब मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ होकर भी खेलता था मालूम, क्योंकि गाइस रूम है और ऊपर से लैग प्रेशर थोड़ा थोड़ा नर्वस होकर खेल रहा था, तो यहाँ पे भाई को मैंने मारा, इनका भी खिल चोरी होगा और हमारा कॉन्टर यहाँ पर हमें खेल बन जाएगा। ओहो हो गाइस देखने कितना मूव कर रहा है, असल में ये मुझसे अटक गया था और मैं इससे अटक गया था, ये मुझे इधर धक्के दे रहा था, मैं उसको उधर धक्के दे रहा था, तो फाइनली मैंने इन भाई को डाउन किया।
बाकी सारे पैसे उसके थे गाइस, जब हैकर को मारा हमने, हैकर को दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब 4v2 है, चार बंदे हमें, दो बंदे शैक के पीछे हैं, दोनों टीममेट्स हैं, वो फाइट ले रहे हैं। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये मतलब रूम था ना, तो उसमें मोबाइल प्लेयर्स, आईपैड प्लेयर्स और पीसी प्लेयर्स सब मिक्स खेल रहे थे। तो आपको नहीं पता कि आपके सामने कौन आने वाला है, तो मतलब बस लक भी चाहिए था और स्किल्स भी चाहिए थे। तो दो बंदे डाउन कर दिए थे जैसे आप देख सकते हो सामने वालों ने, और यहाँ पे मुझे लगा रश होने वाला है, तो मैं एकदम टीपी ले रहा था कि जैसे रश करते हैं डाउन करता हूँ। यहाँ पे जब मेरे टीममेट ने एक अच्छी कवर दी डाउन करके बंदे को, पक्का था कि वो रिवाइव देगा, तो मैंने कहा मैं भी यहाँ पे आके अपने टीममेट्स को खड़ा कर देता हूँ, रिवाइव दे देता हूँ। और ये तो मैंने क्या टाइम पे हाथ लगाया कि टीममेट्स को रिवाइव दे देता हूँ ताकि हम लोग के चांसेस जीतने के ज़्यादा हो जाएं। इस अगर आप सेकंड आ गए तो मतलब ऐसा होता है गाइस के इससे अच्छा था शुरू में मर जाते हैं ना, सेकंड आने का दुख बड़ा बहुत बुरा होता है। कितना सर्वाइव किया क्या सेकंड आने के लिए, बड़ा बुरा सा लगता है। तो मॉली वाली फेंक रहा था, ये लोग बहुत ही अच्छा खेल रहे, देखना नेड आएगा अभी ठा करके, मैं जैसे स्कोप खोलूँगा मुँह पर फटेगा नेड। ओ हो, आधी हेल्थ गई। तो अब उनको रश करना था, हमें भी जोन में जाना था, बट उनको पहले जोन में आना था, उनके पास जोन नहीं था, हमारे थोड़े पीछे से जोन आ रहा था, बूस्ट वगैरह मार रहा था, मुझे लग रहा था ये जोन में नहीं आने वाले, लेकिन ये आ रहे थे और मुझे मौका ही नहीं मिला आखिरी दो बंदे मारने का, और हमें मिल गया विनर विनर चिकन डिनर बावाजी। ये देखो गाइस स्टारक्स का लिया, और उसका लेवल ही नहीं है, उसका केडी बताऊँ कितना है, छोटे भाई की आईडी ना, तो वो टीडीएम वीडियो में ऐसे खेलता रहता है, और इसकी इसका केडी था 0.3 का ऐसा कुछ केडी है इसका, लॉल। अब देखोगे ना हंसी आएगी आपको। तो मैं आपको एक सीन भी बताता हूँ क्या हुआ। ये मैं एक ना रैंडम स्क्वाड ज्वाइन किया, ठीक है, मैंने देखा स्टारक्स आ लिया, मैंने कहा हाँ जी, लेकिन मैं हाई लिखा ठीक है चैट पे, तो बोला आपके पास रूम कार्ड है, पाकिस्तानी स्क्वाड था रैंडम, कहते हैं आपके पास रूम कार्ड है, मैंने चैट में लिखा नहीं। तो फिर उन्होंने मेरी प्रोफाइल ओपन की, जाके केडी दिखा, कह रहे हैं ओ इसका केडी थी 0.3 का केडी, किक कर दिया मुझे, मेरे को इतनी हंसी आई, मैंने कहा लो भाई बेइज्जती सी हो गई ये, तो किक हो गए हम। और फिर ऐसे मतलब मेरे को बहुत फनी लगा था, बेइज्जती सी हो गई थी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना, मेरी कोई बात बुरी लगी तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना एनोनिमस की पब्लिक। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, लव यू, अल्लाह हाफिज़।